सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 रोहित शेट्टी के बैक टू बैक झटके देने की वजह से 440 वोल्ट का झटका मिला है भूल भुलैया 3 को। एंड गाइज आपको बता दूं कि भूल भुलैया 3 वाले ने अनिल थड़ानी को दोस्तों ऑन बोर्ड किया है। गाइज जी हाँ, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने ऑन बोर्ड कर दिया अनिल थड़ानी को फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मेकिंग। गाइज आपको बता दूं कि जहां पे मल्टीप्लेक्सेस में बिल्कुल भी शोज नहीं मिले एंड रोहित शेट्टी ने 60% से ज्यादा शोज अपने नाम कर लिए थे शोकेसिंग के, वहीं दोस्तों अब भूल भुलैया 3 वालों के पास कुछ भी नहीं बचा मल्टीप्लेक्सेस में बजाय सिंगल थिएटर के। गाइज सिंगल थिएटर में भूल भुलैया 3 क्या कॉम्पिटिशन दे सकती है अजय देवगन की फिल्म बाजीराव की फिल्म सिंघम अगेन को। दोस्तों पूरी खबर लेकर आया हूं मैं और आपको बता दूं कि अनिल थड़ानी को लाकर इन्होंने सिंघम अगेन बोले तो अजय देवगन को और रोहित शेट्टी को एक सरप्राइज कर दिया है। और वो क्या सरप्राइज है दोस्तों, क्या वाकई में इसका इंपैक्ट पड़ेगा? गाइज पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही एनालिटिकल वीडियो होने वाली है। लाइक कमेंट करना, अपने भाई ने भी छोड़ दिया प्यार देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पर भूल भुलैया 3 जो है 111,000 क्रॉस कर चुकी है बुक माई शो पे विथ फेक एंड वही दोस्तों सिंघम अगेन 51,000 क्रॉस कर चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो है रिसेंटली अनिल थड़ानी, जी हाँ दोस्तों भूषण कुमार ने अनिल थड़ानी को जी हाँ ऑन बोर्ड किया है, रॉप्ड किया है ताकि इस फिल्म भूल भुलैया 3 को एज ए एग्जीबिटर्स तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन चुके हैं ए फिल्म्स अनिल थड़ानी जी। एंड आपको बता दूं कि वो पुष्पा 2, गेम चेंजर एंड अभी भूल भुलैया 3, इन तीन फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं कि पूरे पैन इंडिया में दोस्तों कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे पैन इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई आसान गेम नहीं होता। और इससे पहले उन्होंने अनिल थड़ानी ने कल्कि मूवी एंड दोस्तों देवरा मूवी जो अभी रिसेंटली चल रही है उसका भी नॉर्थ में साउथ में हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया है दोस्तों और उनको अच्छे शोज दिलाए हैं। कुल मिला के तो यार जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना उसका मेन काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोज को बांटे, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स और शोज दिलवाए और एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखे जिसके थ्रू जो ये कॉम्पिटिशन्स वाला माहौल है वहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि यार जब दो चीज़ें आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है तो हमें कुछ आइडिया लेके आना पड़ता है जिससे पब्लिक हमारी तरफ खींची आ सके। ऐसे ही दोस्तों अनिल थड़ानी भूल भुलैया 3 के लिए इस कॉम्पिटिशन वाले माहौल में अजय देवगन रोहित शेट्टी को टक्कर देने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर सारे शोज तो रोहित शेट्टी ने ले लिए हैं और बचा कुचा कुछ दिया नहीं है, वहीं दोस्तों सिंगल थिएटर पर अब ये लोग अनिल थड़ानी जो है कम से कम सिंगल थिएटर में अपना स्पेस बनाने की साला भूल भुलैया 3 जो है सिंगल थिएटर पर चले। और आपको बता दूं दोस्तों सिंगल थिएटर वो थिएटर होता है जहां पर 22 साल बाद जब गदर 2 आई थी तो उसने सुखियाली में, मतलब जहां पर 22 साल तक कोई थिएटर नहीं चला वो भी भाई गदर 2 के बहाव में करोड़ों की कमाई की, लाखों की कमाई करी। सो गाइज आपको बता रहा हूँ कि भाई सिंगल थिएटर तभी चलता है जब सबसे पहली बात की देखो यार एक्शन फिल्म होनी चाहिए। सिंगल थिएटर का मैंने एक एनालिटिक किया है, एनालाइज किया है कि भाई साहब वहाँ पर ऑडियंस जो आती है ना वो एक्शन फिल्मों को देखने ज़्यादा आती है। एंड ये गाइज मत भूलो आप कि सिंघम अगेन में एक्शन नहीं होगा, सिंघम अगेन में जितना एक्शन है उतना भूल भुलैया 3 में नहीं होगा। कॉमेडी ड्रामा हॉरर इन सबको देखने के लिए मल्टीप्लेक्सेस ही था। रोहित शेट्टी ने तभी तो बहुत बड़ा गेम खेला, उन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लेक्सेस को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उनको पता था कि जहां भूल भुलैया 3 मल्टीप्लेक्सेस पर कब्जा करेगी वहां दोस्तों इसके कलेक्शंस बढ़ जाएंगे। और रोहित शेट्टी ने मल्टीप्लेक्स को ही अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उनको पता है कि सिंगल थिएटर में BB3 नहीं चलनी है, सिंगल थिएटर में कार्तिक आर्यन की फिल्म नहीं चलेगी दोस्तों क्योंकि वहां सिंघम अगेन बाय डिफॉल्ट चलनी है। और यहां पर भूल भुलैया 3 के मालिकों ने और क्या बोलते हैं जॉइंट वेंचर के रूप में ए फिल्म्स आए हैं जो एग्जीबिटर तक नई नई टेक्निक लेकर जाएंगे कि भैया कैसे इस फिल्म की लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाना है, क्या प्राइस रखना है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके के लुभावने वाली चीजें ला के रखेंगे जिससे ऑडियंस भूल भुलैया 3 को देखे। एंड कोशिश की जा रही है दोस्तों अनिल थड़ानी ये काम करेंगे कि देखो यार पुष्पा 2 पर भी अभी वो सिंगल थिएटर पर काम कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो ये लोग चाह रहे हैं कि साउथ में BB3 को ज्यादा सिंगल थिएटर मिल सके क्योंकि पुष्पा 2 पे भी वो काम कर रहे हैं, गेम चेंजर पे काम कर रहे हैं, तो उनका मेन फोकस एरिया होगा साउथ के अंदर सिंगल थिएटर पे काम करके BB3 की साउथ में कलेक्शंस बढ़ाना, जबकि पॉसिबल नहीं है। साउथ की कम्युनिटी हमेशा साउथ की फिल्मों को ज्यादा प्यार देती है दोस्तों और वो मुझे पता है कि साउथ में तो चलनी नहीं है BB3, नॉर्थ में चलने के पूरे चांस है लेकिन नॉर्थ में सिंगल ने इतनी बड़ी क्लैश फिल्म है जो कि स्पेस बिल्कुल नहीं देगी सिंगम BB3 को। ऐसे में दोस्तों अनिल थड़ानी जो
है लेकर तो आ गए हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और जितने भी एग्जीब्यूटर्स हैं लाइक मनोज देसाई जो गेटी गैलेक्सी के मालिक है एंड दोस्तों मराठा मंदिर के मालिक है, इसके अलावा पूरे इंडिया में जितने भी एग्जीब्यूटर्स हैं उन तक ये सिनेमा पहुँचेगा। और गाइज क्या क्या स्कीम आती है ये तो वही जानने भी क्या प्लान करते हैं, बट सिंगल थिएटर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा रही है भूल भुलैया 3 के द्वारा नॉर्थ और साउथ दोनों जगहों पे। एंड हो सकता है दोस्तों देखो यार भूल भुलैया 3 ये फिल्म आती है तो अब ये चांसेस पूरे बन गए हैं कि भूल भुलैया 3 के साथ पुष्पा 2 का ट्रेलर जो है वो थिएटर के साथ प्रिंट होकर आए, जो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों पहले बता दूं क्योंकि ये जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं तो मे बी चांसेज है कि पहले 1 नवंबर को ये दो फिल्म आएगी सिंगम अगेन एंड BB3 एंड BB3 भूल भुलैया 3 के अंदर अटैच होकर ट्रेलर आ सकता है दोस्तों पुष्पा 2 का, तो ऐसा फील आ रहा है मुझे, बाकी हो सकता ना भी है। तो दोस्तों वही बताने की चेष्टा मैं आपको कर रहा हूँ कि जहाँ पर रोहित शेट्टी ने PVR आयोनिक्स और मल्टी चैंस पर अपना कब्जा कर लिया वहीं सिंगल थिएटर पे अनिल थड़ानी कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट दोस्तों ये प्रयास मुझे लगता नहीं कि इतना काज क्या बोलते हैं इतना स्ट्रांग होगा बिकॉज ऑफ सिंगल थिएटर में पब्लिक जो है वो सिंगम अगेन को ही दोस्तों देखेगी, आपको पहली में बता दूँ ठीक है। एंड उसके अलावा दोस्तों को बता दूं कि बहुत सारी और भी अपडेट है आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी, तो अभी दोस्तों ये फिल्म आ रही है ऑफ कोर्स 1 नवंबर को एंड कल धमाकेदार पोस्टर एंड दोस्तों ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं 10 तारीख के बाद मतलब ट्रेलर के बाद 3 तारीख को ट्रेलर आ जाएगा, 10 तारीख के बाद रोहित शेट्टी फुल फ्लेज में इसकी प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे एंड सॉन्ग्स भी आने की तैयारी में है, तो सॉन्ग्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या लगता है अनिल थड़ानी के आने से क्या BB3 को स्पेस मिलेगा सिंगल थिएटर पर या सिंगल थिएटर में नहीं चलेगी BB3 या दोस्तों सिंगम अगेन ही सिंगल थिएटर पे कब्जा कर लेगी, गाइस कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि अनिल थड़ानी ने सिक्वेयर कर रखा है अपना मिनिमम स्पेस सिंगल थिएटर में, क्या लगता है आपको क्या BB3 सिंगम अगेन को टक्कर दे पाएगी और एक ऐसा नंबर बना पाएगी बेंचमार्क जो शायद स्त्री 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे, गाइस कमेंट करो। जय हिंद जय भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।